सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। और सबसे पहले आप सभी लोगों को सुप्रभात। जैसे कि दो दिनों से जो है वीडियो नहीं आ रही थी, उसके लिए माफ़ी मांगता हूं, क्योंकि कार्य चल रहे थे जिसकी वजह से जो है मैं थोड़ा बिजी हो गया था। तो आप सभी लोगों के आज से जो है सारी चीज़ जो है सारी प्रक्रिया जो है बताई जाएगी, आपकी क्लासेस भी जो है तुरंत आने वाली है। मैं क्लासेस को लेकर यह बता दूं कि मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि अभी जो है एडमिशन बाकी है, इसलिए मैं क्लासेस का आयोजन जो है नहीं कर रहा हूं। लेकिन बहुत जल्द जो है आपके क्लासेस लग जाएंगे, आप टेंशन नहीं ले। और मैं बता दूं कि बेहतरीन तैयारी करवा सकते हैं आप, थोड़ा सा भी मतलब टेंशन नहीं ले, एकदम दावा के साथ बोल रहा हूँ। जब आप एग्जाम देने बैठेंगे सारे क्वेश्चन यहीं से लड़ेंगे, ये कन्फर्म है। तो आप टेंशन नहीं ले, सारी प्रक्रिया आपको बताई जाएगी। अभी हम जो है सेकंड लिस्ट के ऊपर बात करने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चों को मैंने कमेंट देखा है सेकंड लिस्ट का। जो है नाम सुनते सुनते जो है मैं देखा तो लगा कि मुझे बताना जरूरी है। तो जैसे मैंने आप सभी लोगों को सारी प्रक्रिया तो पहले बता दिया है कि आपके जो सेकंड लिस्ट है वो आपके कल आने वाले हैं। 30 आपका नवंबर कल है और कल आपके जो है सेकंड लिस्ट आने वाले हैं। जैसे कि मैं आप सभी लोगों को मालूम है कि आज आपका तो 29 नवंबर है, कल आपका 30 नवंबर है और कल आपके सेकंड लिस्ट आएंगे। फिर आपको जो है 1 तारीख से लेकर आपके 5 दिसंबर तक आपके एडमिशन प्रक्रिया चलेंगे। तो जो भी बच्चों के डॉक्यूमेंट नहीं है वो डॉक्यूमेंट वगैरह व्यवस्था कर ले। रही बात एक और महत्वपूर्ण जो है, आप सभी लोगों को तो ये मालूम चल गया कि आपका जो सेकंड लिस्ट है कल मतलब कि 30 आपके नवंबर को आ रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण बातें जो है आप सभी लोगों के द्वारा बार बार रिपीट किया जा रहा है कि सर एडिट का ऑप्शन आएगा कि नहीं आएगा। तो मैंने आपको सारी बातें जो है समझा दिया था कि एडिट के ऑप्शन को लेकर पेपर में बात कही गई थी आपको 24-25 को, लेकिन डेट चेंज हुआ, फिर उसके बाद जो है एडिट का ऑप्शन देने की बात जो है कहीं भी नहीं किया गया है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आज आपको लॉगिन करके देख लें, मैं आपको बता दूं पिछले 2 दिनों से जो है आपका साइट जो है प्रॉब्लम में है, साइट बग है, नहीं खुल रहा है, साइट ही नहीं खुल रहा, तो फिर एडिट का ऑप्शन कहां से आएगा? तो मुझे नहीं लगता कि अब एडिट का ऑप्शन आपको आएगा। तो जो भी बच्चे हैं मैंने दोनों बातें कही थी, अगर आते हैं तो मैं आपको बताऊंगा, नहीं आया तो मैं इतने दिन से नहीं बता रहा हूं, इसका मतलब कि नहीं आने वाले हैं। एडिट का ऑप्शन मुझे भी नहीं लग रहा कि अब मिलने वाला है, लेकिन बात जो है कही गई थी। आपको पहला रिपोर्ट दिखा दे, उसमें भी जो कहा गया था कि बच्चों को कॉलेज बदलने का एडिट का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन नहीं दिया गया। फिर बीच में भी एक पेपर का कटआउट हुआ था जिसमें बात कही गई थी कि एडिट का ऑप्शन आपको मिल सकता है, फिर भी नहीं मिला। और आज जो है आपका 29 है, कल तो आपका 30 है, तो कल आपका सेकंड लिस्ट आ रहा है, तो कल जो है आपको एडिट करने का, अब मुझे नहीं लगता कि एडिट करने का ऑप्शन जो है आपको मिलेगा। रही बात स्लाइड अप वाले बच्चे की, तो स्लाइड अप वाले बच्चे की जो है कल अलॉटमेंट जारी होगा। जैसे कि जो बच्चे फर्स्ट में एडमिशन ले चुके हैं और स्लाइड अप कर दिए, उनको कल जो है फिर एक नया अलॉटमेंट जारी होगा। अगर जारी हो गया तो फिर उनको कॉलेज चेंज करना पड़ेगा, अगर नहीं जारी हुआ तो जो पहला कॉलेज है वही रह जाएगा। प्राइवेट कॉलेज की बात कर ले तो वहाँ पर डाउट है, क्योंकि वो हम मनमानी कर रहे हैं। वहाँ पर अगर पैसे 3,000 दिए हैं तो वो पैसा लेना होगा आपको जाकर खुद, अगर नहीं देते हैं तो फिर आगे की प्रक्रिया, आपको ईमेल आईडी मिला हुआ है उस पर आप कंप्लेन कर सकते हैं। सरकारी कॉलेज की जो फीस है वो आपके मर्ज हो जाएंगे अगर दूसरे कॉलेज आपको मिलते हैं। तो रही बात सेकंड लिस्ट के लिए, तो कल आपके सेकंड लिस्ट आ रहे हैं, सारी प्रक्रिया आपको बताई गई है, जो भी डॉक्यूमेंट है वो सारी व्यवस्था कर ले, कल आपके आएंगे, 5 दिन आपको एडमिशन के लिए दिया जाएगा। और कल जो है फिर हम लोग मिलते हैं, आगे की बात करेंगे। एडिट को लेकर काफ़ी बच्चे परेशान हैं, तो परेशान नहीं हूँ, एडिट का ऑप्शन मुझे नहीं लगता कि अब आएगा, अगर आता है तो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बिहार बोर्ड पर मैं भरोसा आप नहीं कर सकता हूँ। आप सभी लोगों को मालूम है पिछले 1 महीने से बिहार बोर्ड दोहरा रहा है, 9 तारीख से ही स्टार्ट किया था ये काउंसलिंग की प्रक्रिया, और आज आपको देख ले कि आज आपका लास्ट महीने बीतने वाला है, इस महीने खत्म होने वाले हैं, कल आपके आएंगे और दिसंबर पूरे जो है इनको 1 महीना अप्रॉक्स लग जाएगा, 10 का 10 देख लेना। तो 1 महीने में वो पूरे काउंसलिंग करवा रहे हैं एक छोटे से प्रक्रिया को लेकर। तो ये जो है बिहार सरकार के द्वारा भी, जो शिक्षा मंत्रालय है उनके द्वारा ये जो कार्य किया जा रहा है, चाहे जो भी बिहार बोर्ड के द्वारा किया जा रहा है, ये गलत है। और बच्चों को कितना परेशानी हुआ है मैं भी जान रहा हूँ, आप सभी लोग जान रहे हैं, कितने बच्चों का पेमेंट होने के बावजूद भी जो है उनका कॉलेज चुनने के बावजूद भी जो है सेकंड लिस्ट में नाम नहीं आया। सेकंड लिस्ट में जो है कटअप कम होंगे, इसकी भी बात हम कहे हैं कि 10 से लेकर 15 नंबर का अंतर आपको देखने को मिलेगा, कहीं कहीं आपको 5 से 10 नंबर का भी अंतर देखने को मिलेगा। तो जिनका भी नंबर कम है, 10 नंबर के आसपास कटअप से है कम, तो उनको चांस बनता है कि सेकंड लिस्ट में आने का, और जिनका ज़्यादा नंबर था फर्स्ट लिस्ट में नहीं आ पाया था उनको भी जो है चांस है सेकंड लिस्ट में आने का। तो सारी प्रक्रिया तो हमारे द्वारा बताई गई है, अब बस इंतजार है तो कल का, कल हम लोग फिर मिलेंगे, सारी प्रक्रिया बात करेंगे। कल आपके जो है 10 से या 11 बजे के आसपास आपका मे बी साइट सुबह से ही खुलने लगे, लेकिन 10 या 11 बजे से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, तो सारी जानकारी जो है बताई जाएगी, आप हमारे साथ बने रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।